तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूं झारखंड गोट फार्म, जो गोविंदपुर NH2 हाईवे से लगभग 500 मीटर अंदर है। ये धनबाद जिला झारखंड के अंदर आता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग का काम होता है, बकरी का बच्चा यहां पे आप चाहते हैं खरीदना तो यहां से आप खरीद सकते हैं। पूरे वीडियो में बताना चाहूँगा कि कैसे आप तक पहुँच सकता है। बहुत सारे नौजवान युवा एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, जैसे हर कोई चाहता है कि मैं गाय पालन करूँ, बकरी पालना चाहता है, गाय पालना चाहता है, तो उनके लिए एक खुशखबरी है झारखंड के लोगों के लिए, ताकि उनको आसानी से ये बच्चा चाहे तो मिल सकता है। कैसे उपलब्ध होगा पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मैं मिलवाता हूँ यहाँ के ऑनर से और लेते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार क्वालिटी का छोटे छोटे बच्चा है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं छोटा बच्चा खरीदूँ, यानी 10 केजी 12 केजी। बहुत सारे लोगों को कोशिश यही रहती है कि कम से कम में, यानी कम से कम दाम में, पैसे में मैं खरीद कर अपना बिजनेस को स्टार्ट करूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग मैं समझता हूँ 10 से 11 केजी का बच्चा भी यहाँ पे उपलब्ध है। हर नस्ल आपको यहाँ पे मिल सकता है। इनका पूरा बैनर आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ अजमेरी, सिरोही, गुजरी, सोजत इत्यादि नस्ल के बकरा, बकरी एवं खस्सी के छोटे छोटे बच्चे उचित मूल्य पर मिलेंगे। और मैं एक चीज़ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सभी जितने भी हैं अंडुल बकरे हैं, आप अगर चाहें तो इनको 6 महीना रखकर ब्रीडर के तौर पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी बकरे को खस्सी नहीं किया गया है, यानी कि ये बच्चा है लगभग 3 से 4 महीने। किसी का वेट मैं समझता हूँ 20 से 25 केजी भी होगा समथिंग, किसी का लगभग कम से कम मैं समझता हूँ 10 से 12 केजी आपको यहाँ पर बच्चा देखने मिल रहा है। अमूमन लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इनको खिलाऊँ, का सबसे बड़ा समस्या आता है कि पता नहीं मैं खरीद लूँ तो खाएगी क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, जो भी आप देते हैं हम अपने नॉर्मल बकरी को, जो हमें ब्लैक बंगाल हमारे इस एरिया में पाया जाता है, वही सभी चीज़ पत्ता या आप कह सकते हैं कि गेहूं का भूसा, चोकर, जो भी है हमारे पास उपलब्ध होता है, ये सभी चीज़ खाने लगती हैं। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि हम जो भी राजस्थान के बच्चा लाते हैं उनको आदत सी होती है वहाँ की पत्ती खाने की, तो वहाँ से कुछ पत्ते लेकर आया जाता है ताकि यहाँ पर धीरे धीरे कर इनको अपने वेदर में ढाल लिया जाए। तो काफ़ी छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग चाहेंगे खरीदना, तो मैं आइए मिलवाता हूँ यहाँ के ओनर से, ताकि आपको कितने रुपए तक के एक बच्चा हो जाए और कैसे आप पालें ताकि आपका पूरा फार्म चल सके। तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम शशि भूषण हुआ जी। ये फार्म कहाँ पे है, ताकि आपके भाषा में बोलेंगे तो लोग आसानी से समझ जाएंगे यहाँ के एरिया वाले। NH2 गोविंदपुर से मात्र 500 मीटर की दूरी में कुम्हारडीह गांव में अच्छा ये फार्म स्थित है जी। बिल्कुल, कितने दिनों से ये आप कर रहे हैं? ये मेरा 2 साल होने जा रहा है। लगभग 2 साल से आप इसको कर रहे हैं ट्रेडिंग का काम। बहुत सारे लोग ना ये बच्चा देखने के बाद ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चा हमारे फार्म पे टिक नहीं पाएगा, हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, क्या कमी रह जाती है पालने में जो इस तरह का नौबत आता है? देखिए, बच्चा आप खरीद के ले आए उसका जानकारी अगर आपको नहीं होगा तो आप फिर कुछ नहीं कर पाइएगा जी। बिल्कुल, सही रख रखाव, सही वैक्सीन की जानकारी और इसके साथ आपको टाइम देना होगा। बिल्कुल, ये 3 चीज आपको करना होगा, इसके बाद आप बकरी पालन कर सकते हैं। खिलाने में किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? खिलाने में आप जब भी इसको दीजिए तो पत्ती दीजिए, बिल्कुल भूसा दीजिए, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तीन क्या क्या नहीं देना चाहिए? वो आप आम का पत्ता मत दीजिए, बिल्कुल, और भात मत दीजिए, चावल माल मत दीजिए, झारखंड में जो ज्यादा लोग भात बोलते हैं, हाँ ये सब नहीं देना है। तीता चीज, सब्जी जो बनता है वो सब चीज नहीं देना है। बकरी का खाना है, इसको बकरी का वाला ही खाना देना। अगर आप रोटी भी अगर देना चाहते हैं तो एक या आधा रोटी दें, धीरे धीरे आदत उनको डालें। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने इतना बढ़िया काम किया है, क्योंकि हमारे इस एरिए में अगर हम झारखंड या बिहार की बात करें तो ना तो कोई बढ़िया फार्म देखने को मिलता है, ना फार्म नहीं होने के कारण बच्चा उपलब्ध नहीं हो पाता है, हमें मिल नहीं पाता है। तो आपने उतना मुश्किल से वहाँ से राजस्थान से इस बच्चे को लाया है यहाँ पर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे किसान आपसे ख़रीदना चाहें तो उनको कैसे उपलब्ध होगा? मेरे पास आप बकरी का बच्चा से लेकर प्रेग्नेंट बकरी या ब्रीडर, आपको जो चाहिए जैसा साइज में चाहिए आप हमें बताएंगे, मैं उनको पूरा कोशिश करूंगा कि उनका पूर्ति हो जाए जी। सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपके पास 10 केजी से लेकर लगभग 20 से 25 केजी तक बच्चा है, क्या केजी
देंगे या फिर आप ऐसे ही वजन करके देंगे या नग के हिसाब से देंगे? नहीं नहीं, नग नहीं है, ये केजी सिस्टम है। अगर आप 15 किलो से नीचे लेते हैं तो आपको 400 पड़ेगा, 15 किलो से अगर आप ऊपर जाते हैं तो 370 पड़ेगा, और ज़्यादा क्वांटिटी में उठाते हैं तो फिर उसका अलग से हम लोग बात कर लेंगे। अगर कितना ज़्यादा, मतलब कम से कम 20 प्लस लेंगे तो बात कर लेंगे या आप बता देंगे? मतलब हम बता देंगे फोन पर, वो फोन करेंगे। मतलब 370 से भी कम? हाँ, उससे भी कम हो सकता है। तो 15 केजी के नीचे का बच्चा का 400 रुपया दाम है, 15 केजी से प्लस होता है तो 370 रुपया दाम है, और 20 के क्वांटिटी 20 होता है उससे प्लस होता है तो उसका भी कुछ ना कुछ कम कर दिया जाएगा। यानी बड़े फार्मर जो 50 से 20 फार्म करना चाहते हैं तो उनके लिए आपने ध्यान रखा है। बहुत बढ़िया लगा सर आपको ये बात सुनकर। सर अब हम जानेंगे कि आपने बताया कि हम प्रेग्नेंट बकरियां भी उपलब्ध कराएंगे, अभी आपके फार्म पे मैं 1-2 बकरी देख पा रहा हूँ सर, उसका क्या रहेगा, रेट रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा? वो 350 रुपया पर केजी मिलेगा जी प्रेग्नेंट बकरी, लेकिन वो 2 दांत से 4 दांत में रहेगी जी, जो भी रहेगा वो मतलब फुर्तीदार, और वो जो नस्ल होता है बच्चा देने के बावजूद भी, अपने बच्चे को पालने के बाद भी आप 1 किलो दूध उसका आप यूज कर पाते हैं। अच्छा, और उसमें हम बरबरी, सिरोही और बिट्टल, ये तीनों नस्ल हम आपको दे सकते हैं। अभी तो आपके फार्म पे मैं बरबरी नहीं देख पा रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों का डिमांड है बरबरी का। बरबरी है सर, 1 पीस हम, 1 पीस है? अच्छा अच्छा, 1-2 पीस है, मतलब कम तादाद में है। हाँ, इस तरह से झारखंड के लोग हो जाएगा। हाँ, उनका क्या रेट रहेगा सर? वो 450 रुपये किलो रहेगा। 450 रुपये प्रेग्नेंट बकरी? प्रेग्नेंट बकरी 400, फर्स्ट लैक्टेशन की? हाँ, पहली बार बच्चा देने वाली बकरी। और ऐसा भी है कि जैसे हम तीसरी ब्याद की, चौथी ब्याद की, मतलब एक एजड बकरी जो 2 बच्चे दे, वो बकरी भी उपलब्ध हो जाएगी? हाँ, 2 बच्चे वाला ही कोशिश करेंगे, क्या कि पहला बार में तो एक ही बच्चा जी, ज़्यादातर तो 99% एक ही बच्चा देती है फर्स्ट टाइम में। देखिए कुल मिला के रेट का जो बात है ना, वो देखिए कॉल करेंगे, जैसा वो क्वांटिटी लेंगे वैसा हम पूरा सपोर्ट करेंगे। आज के ज़माने में हर कोई चाहता है मेरे घर तक सामान आ जाए। आपने भी बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन मंगवाया होगा, और सभी लोग चाहते हैं कि मैं अपने घर पे क्यों ना मंगवा लूं, तो उसके लिए क्या सुविधा है आपके पास? तो सड़क माध्यम से जो राजस्थान से धनबाद की जो दूरी है, अगर वो सड़क मार्ग के आसपास के अगर लोग होंगे जी बिल्कुल, तो वो फोन से कॉन्टेक्ट करेंगे तो उनको हम उस अनुसार पूर्ति कर देंगे। अच्छा, और अगर मेरे फार्म से आप अगल बगल के धनबाद या झारखंड के कोई भी जिला से हैं और उनको अगर क्वांटिटी में अगर लेना है तो यहाँ से हम सर्विस उनको दे देंगे। क्वांटिटी क्या होगी कम से कम? क्वांटिटी सर कम से कम 20 प्लस होना चाहिए। 20 प्लस होगा तो आप उसका पहुँचाने का भी सुविधा आपने सोचा है? हाँ, तो ये क्योंकि आज का जमाना जो है ना सर, हर कोई चाहता है कि हम घर तक मंगवा लें, है ना, तो इसके लिए भी सुविधा है। तो बहुत अच्छा लगा सर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी शानदार बच्चे हैं, हर क्वालिटी का बच्चा देखने मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पत्ते और इसमें गेहूं का जो भी जय वगैरह डाल दिया सर ने, और यहाँ पे खारी। सर क्या क्वांटिटी में अभी आपके पास बच्चे होंगे? मैं काफी सारा देख रहा हूँ। 250 बच्चा है, लगभग 250 बच्चे हैं इसमें। नस्ल कौन से हम देख पा रहे हैं जो ज्यादा? जी तोता परी है, सिरोही जी बिल्कुल है। तोता परी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि कितने रुपए केजी तक के तोता परी आपको उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शौक से तोता परी पसंद करते हैं क्योंकि वो खूबसूरत होता है, वेट गन बढ़िया लेता है, इस कारण बहुत सारे लोग तोता परी भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उनसे व्हाट्सअप पर कॉलिंग पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।